वंदे मातरम, आप देख रहे हैं टुडे दिल्ली न्यूज़। टुडे दिल्ली न्यूज़ में आप सभी देशवासियों का स्वागत है। सर्वप्रथम आप सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रदान करती हूं और स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को नमन करते हैं। आज पूरे भारतवर्ष के अमृतकाल में आज़ादी का अमृत महोत्सव में आज़ादी का 77वां दिवस हर्षोल्लास से मनाया गया। 13 अगस्त से कहीं तिरंगा रैली तो कहीं ध्वजारोहण किया गया, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो आह्वान हर घर तिरंगा, जम्मू से लेकर कन्याकुमारी तक लोगों ने अपने अपने घरों में तिरंगा भी लगाए। वहीं इस राष्ट्रीय पर्व महोत्सव पर पुलिस मित्रा फाउंडेशन ट्रस्ट द्वारा विशाल एनक्लेव नरेला बाहरी दिल्ली में मुख्य अतिथि ACP नरेला सुरेश कौशिक द्वारा तिरंगा ध्वजारोहण किया गया। राष्ट्रीय गान के बाद तिरंगा ध्वजा को सैल्यूट देकर देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं भी दी। पुलिस मित्र फाउंडेशन ट्रस्ट ने उन्हें ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित कर बच्चों को भी सम्मानित किया गया। इस राष्ट्रीय पर्व पर जहां उपस्थित रहे मुख्य अतिथि सुरेश कौशिक और सेवा भारती के पदाधिकारी, इस कार्यक्रम के आयोजक पुलिस मित्र फाउंडेशन ट्रस्ट के संयुक्त सचिव सागर सिंह यादव और सहयोगी रहे श्री राम सेवा केंद्र और विशाल एनक्लेव के सभी साथी एवं नरेला क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता रहे। आपको बता दें कि पुलिस मित्रा फाउंडेशन में बीते कई वर्षों से सामाजिक कार्यों में लगे हुए हैं। हर क्षेत्रों में इन्होंने देश व समाज कल्याण के लिए अनेकों अनेक कार्य किए। तो आइए देखते हैं ये झलक 77वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की रंजीत गुप्ता के साथ। ये धड़कन है, ये सांस हो, पुण्य भूमि के लिए, कर्म भूमि के लिए, गर्व से सभी कहे, हिंदू है हम एक है, जाति पंथ भिन्नता में स्नेह सूत्र एक है, शुभ्र रंग की छटा सप्त रंग फैलिए, देश के लिए जिए समाज। आज हम 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मैं हरि सिंह, ईश्वर कॉलोनी बवाना में मेरा निवास है और मैं सेवा भारती का कार्यकर्ता हूँ। सामने जो आप बोर्ड देख रहे हैं, सेवा भारती ने सागर जी के निवास स्थान पर एक शिक्षा का प्रकल्प शुरू किया है। उसमें बहुत अच्छी संख्या, मुझे बताया गया, बहुत अच्छी संख्या आ रही है। जगह भी छोटी पड़ रही है, बच्चे इतने हो गए हैं। तो मैं सभी बच्चों को शुभाशीष है और हिंदू भावना को, हिंदू संस्कारों को इस प्रकल्प के माध्यम से आज जितना से ज्यादा अपनाएंगे और प्रचारित करेंगे, उसी में हमारी सफलता है। सेवा भारती का मुख्य उद्देश्य है नर सेवा, नारायण सेवा। इसी माध्यम से हम पूरे समाज में, पूरे भारत में चार प्रकल्पों में काम करते हैं, शिक्षा, संस्कार, स्वास्थ्य और स्वावलंबन। मैं दूसरी कक्षा की छात्रा हूँ। आज आप सबको मैं 15 अगस्त पर एक कविता सुनाने जा रही हूँ। ना जाने कितने वीरों ने अपनी जान गवाई थी, तब जाके मेरे भारत ने अपनी आजादी पाई थी। ये धरती भी हमारी थी, आकाश हमारा था, पर अंग्रेजों के शासन में, पर अंग्रेजों के शासन में कुछ भी ना हमारा था। अंग्रेज यहाँ घर आए थे, उसमें भी कुछ कमी हमारी थी। मंगल भगत आजाद, मंगल भगत आजाद, सबने लड़ी लड़ाई थी, तब जाके मेरे भारत ने अपनी आजादी पाई थी। एक समय था जब ये भारत सोने की चिड़िया कहलाता था, यही देखा इसे विदेश, यही देखा इसे विदेश, हर वक्त हथियाना चाहता था। अंग्रेजों के छक्के छुड़ा के लक्ष्मीबाई ने जान गवाई थी, तब जाके मेरे भारत ने अपनी आजादी पाई थी। जय हिंद। मैं इस आजादी के शुभ अवसर पर आप सभी देशवासियों को, सभी मोहल्ला वासियों को, सभी बच्चों को अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं।
ये हमारा एक आजादी का त्यौहार है, हमें हर साल इसको बहुत ही हर्षोल्लास और उत्साह के साथ बड़े जोश के साथ मनाना चाहिए। जो हमारी नई पीढ़ी है, बच्चे हैं, उनको हमें इस दिवस के बारे में बड़े डिटेल से बताना चाहिए कि ये आजादी हमें कैसे कैसे मिली है, कितने लोगों ने इसके लिए बलिदान दिया है, बड़ा संघर्ष किया है। तो ये हम बच्चों को अगर बताएंगे तो उनके अंदर भी एक उत्साह और जोश पैदा होगा और वो हम चीजें हम बच्चों में हमें संस्कार डालना चाहिए। इसी के साथ मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। धन्यवाद। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है, भारत माता की। मैं अपने सभी देशवासियों को, सारे मित्रवासियों को, सभी को यह दिवस स्वतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ। सभी को अपील भी करता हूँ कि ऐसे ऐसे प्रोग्राम करते रहें, बढ़ चढ़कर समाज के हिस्से में हिस्सा बनते रहें और सभी से मेरी यही निवेदन है कि जो भी सामाजिक कार्य हो रहे हैं बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और क्योंकि हम देश के प्रति वफादार हैं, देश के प्रति कार्य करते रहेंगे तो हमेशा सजा तो सुधर रहेंगे, समाज को जगाना हमारा काम है। इसीलिए उनकी फाउंडेशन हमेशा तत्पर रहती है, गरीबों को खाना खिलाना और उनके पास काम में काम दिलाना हमारा मुख्य लक्ष्य जो है वो सिर्फ यही है कि लोग बेरोजगार ना रहें, लोगों के पास काम का होता रहे और समाज को बेहतर बनाने के लिए जो कार्य करते हैं वो निरंतर करते रहेंगे। इस दूसरा फाउंडेशन कल भी सजग थी, आज भी सजग है और आगे भी सजग रहेगी इस चीज के लिए, लेकिन हमारा जो काम होता है वो दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर काम होता है और हम आगे भी आपको विश्वास दिलाते हैं कि कहीं भी दिल्ली पुलिस से कुछ कोई गलत करता है तो हम उनके साथ खड़े हैं, ठीक है ना। दिल्ली पुलिस आपके साथ गलत नहीं करने देंगे हम उसको, क्योंकि देखिए पुलिस अधिकारी छोटा भी होता है बड़ा भी होता है, ठीक है, कुछ गलत भी होते हैं कुछ सही भी होते हैं। जैसे इंसान होते हैं ना, पांच उंगली होती हैं तो बराबर नहीं होती हैं, तो उसमें क्या होता है कि जब पांच उंगली बराबर नहीं तो पुलिस वाले बराबर नहीं, एक की वजह से पूरे तालाब में गंदा नहीं करना चाहिए, उस मछली को हम निकाल के फेंक देते हैं। तो सबके ऊपर खाकी की वर्दी का सम्मान होना चाहिए, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अपना हमारा नारा भी यही है, अपना अभिमान खाकी का सम्मान, तो हम पुलिस की सम्मान करते हैं और समाज के अंदर पुलिस को लेके बस जागरूकता पैदा करते हैं कि पुलिस से डरो मत, वो तुम्हारे साथ है। बस ये है कि आपको सजग होने की जरूरत है, पुलिस से कैसे बात करते हैं कैसे नहीं करते। पुलिस क्या होती है कि आप देखो कि कोई क्राइम होता है किसी कॉलोनी में तो सबसे शक करेगी, ठीक है, लेकिन अब क्या होता है जो सही हो गया उसके साथ तो सही हो गया, जो जिसके साथ गलत हो गया उसके लिए गलत हो गई पुलिस। तो वही चीज है, पुलिस को आप ऐसे नहीं पहचान सकते, जब आप जैसे मैं उनके साथ रहकर काम करता हूं तो मुझे पता है कि वो कैसी है, तो इसीलिए आपको अपने परिवार के बारे में पता है तो पुलिस मेरा परिवार है, तो इसलिए पुलिस के बारे में मुझे ज्यादा पता है। लेकिन वैसे ये है कि आप पुलिस के उससे डरो मत, पुलिस आपकी दोस्त है, आपके परिवार है, उसके साथ मिलजुल के रहो। अगर एक परिवार में खराब आदमी निकलता है तो पूरे परिवार को नहीं छोड़ा जाता है,
दिल्ली पुलिस हमेशा कार्य करती रहती है और आगे कार्य करती रहेगी, और दिल्ली पुलिस पुलिस उत्तरा फाउंडेशन हमेशा साथ रही है और साथ काम करती रहेगी। और आगे बस यही संदेश दोबारा मैं देना चाहता हूँ सभी क्षेत्रवासियों को कि अपने देश के जितने भी पर्व हैं मनाइए और देश के साथ जुड़ के रहिए। आप सभी को क्षेत्र हुए स्वतंत्र दिवस की पुनः से शुभकामनाएं। मैं सुनील कुमार समझते ही विशालबाग निरला। मैं सारे देशवासियों को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पे शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और देशवासियों को यह कहूँगा कि इस पर्व में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले और देश हित में कार्य करे और देश के लिए सोचे। जय हिंद जय भारत। मैं सुरेंद्र कुमार शर्मा विशालबाग से अपने देश की स्वतंत्रता के लिए जो आज हम लोग 15 अगस्त में सब एकत्र हुए हैं, बच्चों को समाज में ये देशभक्ति भावना जगाने के लिए और इस तरह से कार्यक्रम करके बच्चों को शिक्षित करने का कार्य कर रहे हैं और बच्चे हमारे देश का भविष्य है, इसलिए हम उनके साथ जुड़ करके उन्हें सही राग रास्ता और सही मार्ग देने का प्रयत्न कर रहे हैं। भारत माता की जय। मैं यही कहना चाहती हूँ कि बच्चे बहुत अच्छा किया है इन्होंने कार्यक्रम, और पढ़ने में भी बहुत अच्छे हैं बच्चे, सभी सेवा भारती में सभी बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ने में भी बहुत अच्छे हैं, और इसमें भी कुछ बच्चों को अवार्ड भी मिला है इसमें इनको, तो बहुत अच्छा किया है। मैं उम्मीद करती हूँ मतलब आगे भी चल के ये बहुत अच्छा करें, और मेरी तरफ से इन सबको 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सेवा भारती में बच्चों को पढ़ाते हैं यानी टीचर के पास, हाँ बच्चों को क्या कहना चाहेंगे स्वतंत्रता दिवस पर? मैं बच्चों को यही कहना चाहती हूँ इस बार इन्होंने संपूर्ण बहुत अच्छा किया है और अगले साल इससे भी बहुत अच्छा करे, और मैं सभी बच्चों को बोलना चाहती हूँ 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं और सभी देशवासियों को बोलना चाहती हूँ। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम खुशबू है। खुशबू जी, आज आप यहाँ पर आपको पता है आज का दिन क्या है? आज 15 अगस्त है। 15 अगस्त के दिन क्या हुआ था? आज हमारे देश को आजादी मिली थी। तो आज आपको अवार्ड दिया गया, सम्मानित किया गया, आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं अगली बार इससे भी बहुत अच्छा करूंगी और इससे भी अच्छे अच्छे अवार्ड पाऊंगी। धन्यवाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। जय हिंद जय हिंद। हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं, अपनी मंजिल एक है, कश्मीर की धरती रानी है, सरदार हिमालय सदियों से हमने इसको अपने मिट्टी की खुशबू थी ऐसी, तब हर कोई मतवाला हुआ था, तब हर कोई मतवाला हुआ था, वतन का जज्बा ऐसा था जो सब में जगता रहता था। सच्चा वीर बना दे माँ, सच्चा वीर बना दे माँ, ध्रुव जैसी मुझे शक्ति दे दे, ध्रुव जैसी मुझे शक्ति दे दे, अर्जुन जैसी शक्ति दे दे, अर्जुन जैसी शक्ति दे दे, गीता ज्ञान सुना दे माँ, गीता ज्ञान सुना दे माँ, सच्चा वीर बना दे माँ, सच्चा वीर बना दे माँ, वीर हकीकत में बन जाऊं, वीर हकीकत में बन जाऊं, धर्म पे अपना शीश कटाऊं, धर्म पे अपना शीश कटाऊं, ऐसी लगन लगा दे माँ, ऐसी लगन लगा दे माँ, सच्चा वीर बना दे माँ, सच्चा वीर बना दे माँ,
गुरु गोविंद सा त्यागी बना दे, शिवाजी जैसी आग लगा दे, हाथ तलवार थमा दे माँ, सच्चा वीर की तरह तुझे दिन भर रखता रहता हूँ मैं, राम की तरह भगवान की तरह, हो मेरी भारत माता, हो मेरी भारत माता। हौसला बढ़ाइए बच्चों का, ये मान सम्मान फैलाने वाले टाइम पे जल्दी से खड़ा कर लिया। हाँ भाई, ऐसे बच्चे करते रहे, उनकी हिम्मत करती है उनकी आशीर्वाद है। भारत माता की जय, मेरे ताली बजाएं। नई न्यूज आपका अपना यूट्यूब चैनल जो जज्बा सबसे दिखाने का लगता है, आपके क्षेत्र से संसद तक की खबरें, तो आइए आज ही से अभी से नई न्यूज को सब्सक्राइब करें।